आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राधा जी के लिए रंग बिरंगी पोशाक बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 12 फंदे इसमें डाले और इसके पहली सिलाई हम इसको देखिए सभी उल्टे फंदे हम बुनेंगे, सभी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से मैं उल्टा सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। एक रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली, सभी फंदे उल्टे उल्टे बुने। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए, इस पर हमें पहला फंदा उतार लेना है और ये फंदे हमको के एक उतारा एक बुन लिया, दो हो गए, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नौ फंदे हमको बुनने हैं और ये तीन फंदे हमको छोड़ देने। अब हम इसको यहीं से पलट लेंगे, ये तीन फंदे हम नहीं बुनेंगे। अब हम यहां से ये पहला फंदा जो हमने बुना इसको हम उतार लेंगे और ये सभी फंदे हमको बुन लेने हैं। ये सभी फंदे बुन लेते हैं। देखिए ये सभी फंदे बुन लिए। अब हम सीधी सिलाई पर फिर आ गए, इधर से हमें पहला फंदा उतारना है और अब हमें छह फंदे बुनने हैं, दो, तीन, चार, पांच, छह। ये छह फंदे बुन लिए, तीन पहले छोड़ दिए थे, अब तीन फिर हम छोड़ देंगे, इनको हमें नहीं बुनना है। यहीं से हम मोड़ लेंगे इसको और यहां से पहला फंदा हमको उतार लेना है और ये सभी फंदे हमको बुन लेने हैं। देखिए ये सभी फंदे हम बुन लेते हैं और फिर हम सीधी सिलाई पर आ गए। अब हमें पहला फंदा उतारना है और ये दो फंदे हमको बुनने हैं, एक उतारा एक बुना और ये किए, तीन फंदे हो गए, तीन पहले उतारे, तीन फिर उसके बाद और तीन अब। इसके बाद हमें यहीं से इसको मोड़ लेना है और ये तीन फंदे में पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये दो फंदे हम बुनेंगे, एक और दो। अब ये पूरी सिलाई हमको उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है, पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, सभी फंदे हमको पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए हमारा ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली पूरी उल्टी उल्टी बुन करके। अब हम यहां से कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिया। अब इसको हमें पहला इस तरह से ये पूरी सिलाई हमको उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है, सभी फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। देखिए ये सभी फंदे हमने रेड कलर से बुन लिए। अब हमें बिल्कुल उसी तरह से बुनना है जैसे हम पहले बुन रहे थे। पहला फंदा हम उतारेंगे और ये फंदे हमको नौ फंदे हमको दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, ये नौ फंदे बुने। जैसे हम पहले हमने तीन फंदे छोड़े थे उसी तरह से हम फिर छोड़ेंगे और इसको टर्न कर लेंगे और उल्टी तरफ से ये सभी फंदे हमको पहला उतार लेंगे और सभी फंदे हमको उल्टे उल्टे बुनने हैं और इसी तरह से हमको कलियां बना करके तैयार करनी है। ये पूरे उल्टे बुन लेते हैं। अब देखिए फिर हमें इस लाइन पर ये तीन फंदे छोड़े, अब किसे फिर हम तीन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर तीन छोड़ेंगे और लास्ट में ये फिर तीन छोड़ने के बाद उल्टी सिलाई से हमको पूरी सिलाई इस तरह से बुन लेनी। तो इस तरह से हमारी कलियां आती जाएंगी और इस तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे, सिर्फ ऐसे ही बुनते जाएंगे। ये देखिए हमारी ये पोशाक यहां तक बन गई है और अब हम यहाँ के फंदे सभी बंद कर देंगे, दो का एक करके हमको बंद करना है। मैंने इसको यहां बंद कर लिया। अब हमारी जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको सबको हम इस तरह से लगा करके अंदर कर देंगे या कट कर देंगे, इस तरह से अंदर लगा कर देंगे इनको। देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया। इसमें हमने बीच में डोरी डाल ली और ये देखिए कलर हमने ये पॉम पॉम बना करके इसमें डाल दिए। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। इसके लिए ये 12 फंदे हमने इसमें डाले हैं और 12 फंदों को यहां से हम इसमें कलर चेंज करेंगे, यहां से कलर चेंज कर देंगे। अब हम कलर चेंज कर लिया हमने और इसे हमें पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे,
सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। 12 फंदे हैं हमारे, देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन ली, और हम इधर से सभी फंदे सीधे बुनेंगे। ये पहला फंदा उतार लिया, और ये सभी फंदे जो हमारे 12 फंदे हैं इनको हम सभी को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए दो सिलाइयां हमारी ये कंप्लीट हो गई नीले रंग से, एक उल्टी सिलाई और एक सीधी सिलाई। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, यहाँ पे हम फिर कलर चेंज करेंगे। देखिए इस कलर से एक फंदा हमको यहाँ पर घटाना है, तो हम दो फंदों में ये अपना कलर लगा लेंगे। ये देखिए दो फंदों में हमने एक कलर लगा लिया, तो हमारा एक फंदा बंद हो गया, ये कम हो गया। और अब हम ये सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए शुरू में हमने यहाँ पर एक फंदा घटाया था, कम किया था, और लास्ट में भी अब हमें एक फंदा कम करना है। ये हमारी बाजू बन करके कंप्लीट होगी। ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर कम कर दिया, और अब हम सीधी सिलाई पर हैं, यहाँ पर हमें सभी फंदे सीधे बुन लेने हैं। पहला फंदा उतार लेंगे और सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। दो सिलाइयां हमने ये कंप्लीट कर ली, एक फंदा हमने इधर घटाया और एक फंदा इधर। अब हमें फिर एक फंदा घटाना है, तो ये दो फंदे एक साथ लेंगे और यहां से हम कलर चेंज करेंगे। एक साथ लेकर के ये देखिए ये हमने यहां पर दो का एक कर दिया, और सभी फंदे हमको उल्टे ही बुन ले हैं। इधर हमने दो का एक किया था, अब हमें लास्ट में भी दो का एक फंदा करना है। अब हमें चार फंदे हमारे घट गए, ये देखिए एक फंदा हमने इधर घटाया था, एक इधर, और अब हमने एक फंदा इधर घटा लिया और एक इधर। अब हमारे चार फंदे घट गए, अब हमको फंदे नहीं घटाने हैं, और इसी तरह से हम चार सिलाइयां और बुन करके कंप्लीट करेंगे। कि दो सिलाइयां और हमने बुन के कंप्लीट कर ली, अब इधर से हम उल्टी तरफ से हम सभी फंदे बंद कर देंगे। हमारी बन करके ये तैयार हो गई। देखिए दो का एक करेंगे और फंदों को सभी को बंद कर लेंगे। कि एक पार्ट हमारा ये बनकर के तैयार हो गया, इसी तरह से हम एक पार्ट और बना के तैयार करेंगे। दूसरा पार्ट भी हमारा बनके तैयार है। अब हमें इसको किस तरह से सिलना है वो हम आपको बताएंगे। कि अब हमें इसको इस तरह से सिलना है, एक पार्ट हमारा ये है और एक पार्ट ये है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे इसको यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको यहां से यहां तक इसको सिल लेंगे। देखिए यहां बंद कर देंगे इसको। अब हमको देखिए इस तरह से हमारा हो गया, और हम इस तरह से इसको करेंगे, इस तरह से उल्टी तरफ करेंगे, और इस तरह से यहां पर एक टांका हमको यहां लगाना है और एक टांका हमको इस तरफ लगाना है। देखिए यहां पे इसको यहां पे बंद करेंगे। इसी तरह से हम इधर लगा लेंगे। देखिए हमारा सिल के तैयार हो गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये सिल के तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ पे इसको सेट करेंगे, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सिल देंगे। ये देखिए हमारी ये चोली है, हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। देखिए हमने चोली लगा करके यहाँ कंप्लीट कर लिया, और हमारी ये पोशाक बन करके तैयार है। अब हम इसमें यहाँ पर लेस लगाएंगे। ये देखिए ये लेस ली है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। नीचे से हमको लगानी है उल्टी तरफ से।
यहां पहले फिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इस तरह से हम लगा के कंप्लीट कर देंगे। देखिए लेस लगा करके मैंने इसको तैयार कर लिया है पोशाक को, और हमारी पोशाक बिल्कुल बनकर के तैयार है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।